सो हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू राइडर चेतन चैनल। और आज हमारे सामने है हीरो की तरफ से एकदम नया स्कूटर हीरो जूम। 110 सीसी का ये स्कूटर है। सबसे खास बात है 1,00,000 रुपए के अंदर आता है और इसमें इतने सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि 110 सीसी के सेगमेंट में एक साथ आपको किसी भी स्कूटर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या वो फीचर है, क्या आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और कैसा है ये स्कूटर, क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज हम रिव्यू करेंगे इसके ZX वेरिएंट का, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और वो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जो बाकी वेरिएंट है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं लगता आपको वो लेना चाहिए। तो आपको डिस्क ब्रेक वाला ही लेनी चाहिए सेफ्टी के पर्पस से। 3,000-5,000 रुपए की कोई बात नहीं है, है ना, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। बाकी ड्रम ब्रेक में इतना अच्छा फील नहीं आता है जो आपको डिस्क ब्रेक में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जैसे कॉर्निंग लाइट, डायमंड कट अलॉय व्हील, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो हमारे सामने है ZX। अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है लगभग 99,000 रुपीज का। बाकी अगर आप जैसा इसके लिए डीलर के लिए गिरा सके, मतलब आप 95, 96, 97 जैसा आप डील क्रैक कर सकें, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं इसके कलर ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर लगभग आपको 4-5 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दिया, कलर ऑप्शन बता दिए, बाकी डाउन पेमेंट मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपको इसमें कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा कम से कम। और भाई, इसका अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो गाड़ी का डिज़ाइन बहुत प्यारा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम नए लुक के साथ आया है। आप यहाँ देख सकते हैं नई वाली LED आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है पीछे, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट में भी आपको काफ़ी अच्छे से LED DRL देखने के लिए मिल जाता है और ये कंप्लीट आपको LED सेटअप देखने के लिए मिलता है। अभी मैं आपको सब दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑरेंज और ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा, मतलब एकदम कंट्रास्ट के साथ आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। नीचे आपको बल्ब देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं और ये आपका हीरो का लोगो है और ये ग्लॉस ब्लैक कलर का पैनल दे रखा है आपको और ये नंबर प्लेट वाली चीज़ है भाई। यहाँ ये बॉडी, मतलब बॉडी का जो वो है ना डिज़ाइन भाई, सच में बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। एक बार भाई इसकी LED चेक करो, क्या प्यारी आपको LED देखने के लिए मिलती है, बहुत ज़बरदस्त कंप्लीट LED सेटअप है यहाँ पर। और ये जो चीज़ है ना, ये भी आपको LED देखने के लिए मिलती है जो कि स्टार्ट होने के बाद जलेगी। अभी मैं चलो अच्छा आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ आपको LED का डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, सेम पैटर्न है भाई, ऐसा ही आपको नई वाली करिश्मा में देखने के लिए मिलता है। बहुत प्यारा डिज़ाइन इसका यहाँ है और साइड में आपको जो है ना ये कॉर्निंग लैंप है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भाई ये कॉर्निंग लैंप झुकाने के साथ जल, मतलब ये वैसे नहीं जलेंगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बाइक को घुमाएंगे तुरंत ये जल जाएगी। भैया एक बार इसे जला करके दिखा देना वाली लाइट। हाँ, ये तो हमारे हीरो वाले ही कर सकते हैं, हाँ झुका करके। ये देखो भाई, ये आपकी कॉर्निंग लैंप है, जैसे ही गाड़ी में थोड़ा बहुत एंगल होगा तुरंत ही जल जाएगी। ऐसे ही इस साइड में आपके दे रखे हैं वो भी जलेगा। और ये नीचे फ्लैश मारती है जिसकी वजह से जैसे कॉर्नर अगर मान लो कोई चीज़ विजिबल नहीं है तो आपकी विजिबल हो जाए, आप देख सकते हैं। क्योंकि भाई क्या होता है ना, स्कूटी है या जो नई वाली स्पोर्ट्स बाइक है उनमें लाइट नहीं घूमती है, तो लाइट जो है वो हमारी सीधी फोकस करती रहती है, हैंडल घूमता है। या तो जैसे इस टाइप की बाइक हो जिसमें हैंडल के साथ लाइट घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनमें क्या है ये लाइट सीधा फोकस कर रही है तो किनारे पे दिखाई नहीं देगा। तो इस चक्कर में आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन फोकस है इसका, बहुत प्यारा इसका लुक लगता है देखने के लिए, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। ये आपको मतलब बहुत यूनिक चीज़ है, मैंने बाइक में अभी तक नहीं देखी है। बाकी यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने के लिए मिलता है, वाइब्री अच्छा ब्रांड है, वाइब्री का डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। ट्यूबलेस टायर हैं यहाँ पर आपके, और इसमें आपको 12 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है। और एक बार आप इसका डिज़ाइन देखो भाई, कितना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ है, मतलब डिटेल्स इसमें बहुत अच्छी दिख रही हैं, ठीक है, तो कोई भी इशू नहीं है। और पीछे आगे तो आपको 90mm का टायर मिलता है, वहीं पर पीछे की साइड में आपको 100mm का टायर देखने के लिए मिलता है। ये है भाई इसका साइड का डिज़ाइन, बहुत प्यारा इसका लुक है। सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को लगती है ना कि वैसे बहुत सारे स्कूटर में क्या होता है ना, ये टायर अंदर होता है, पीछे की बॉडी बाहर होती है, तो वो थोड़ा सा एक बार के लिए ऑड लगता है। बट इसमें क्या है ना, टायर बाहर है और बॉडी आप देख सकते हैं टायर के मतलब थोड़ा सा अंदर ही है, तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइन आपको निकाल करके देता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, मतलब फुल फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, कंप्लीट आपको मॉडर्न वाला सेटअप देखने के लिए मिलता है, डिस्प्ले वगैरह सब देखने के लिए मिलती है। और ये है इसकी चाबी, तो हम इसे लगा करके ऑन करते हैं।
और इसमें ना आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, नेविगेशन नहीं मिलता, कॉलर आईडी वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। ये आपको हाई बीम लो बीम पास, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न, सिंगल हॉर्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से आप मतलब अपनी ट्रिप वगैरह देख सकते हैं, माइलेज वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, इस बटन से। और इससे आप सेट कर सकते हैं ट्रिप के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये आपका I3S टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, सेल्फ स्टार्ट बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे खास चीज़ भाई, इसके आगे वाले ये दो चैम्बर, ये इतने गहरे हैं, यहाँ पर एक एक लीटर की बोतल मुझे लगता है पूरी चली जाएगी। और यहाँ पर आपको USB पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, दोनों साइड में आपको कंपार्टमेंटों के बीच में USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और आप यहाँ एक आइडिया लगा सकते हैं स्पेस का, बीच में मेरी 9 नंबर की चप्पल है भाई, और आप देख लो किस तरह से आ रही है। तो बैठने में मुझे लगता है अगर आप ये चैम्बर निकाल देंगे तो शायद आप आराम से और ज़्यादा सामान भी ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ कट्टा वट्टा आटे वाटे का लाने में, थोड़ा गेहूं रखने में मुझे लगता है थोड़ा बहुत इशू आप फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको FI का जो फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है कि ये आपका जो हैंगर है वो साइड में घुस जाता है अंदर के लिए। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ सारा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीट। और यहाँ पर इसका जो फुट रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, और एंटी स्लिप इस पे स्पाइक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं जो चप्पलों को फिसलने से बचाएंगे। और पीछे आप देख सकते हैं साइलेंसर वगैरह, टायर साइज़ वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन है। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 100mm का टायर की चौड़ाई देखने के लिए मिलती है, 12 इंच की अलॉय व्हील के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ना एक सेफ्टी गार्ड दे रखा है मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो अपनी मम्मी वगैरह होती हैं वो एक तरफ पैर करके बैठती हैं, तो उस चीज़ से बचाने के लिए आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो ये एग्जॉस्ट है इसके ऊपर मैंने कवर नहीं लगवाया है, वो आपका कवर लग करके आता है। पीछे की साइड में आपको LED टेल लाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि इसका साइन है H शेप का, मतलब इसका नया लोगो का डिज़ाइन है एक तरीके से। और साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह आ जाएगा, वो अभी यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला लगवाया नहीं है, वो लग करके आपको मिलेगा एसेसरीज़ में, अलग से कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा उसका। और इस बाइक में आपको किक भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मिडिल क्लास लोगों के लिए भाई। 160cc में जो कंपनियाँ किक हटा रही हैं वो मत हटाओ भाई, बहुत ज़रूरत होती है किक की, क्योंकि हर इंसान तुरंत ही बैटरी नहीं पड़वा लेता है, और बैटरी पर वारंटी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, 1 साल या 3 साल की मैक्स टू मैक्स वारंटी मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो प्लीज़ इसमें आप किक मत हटाओ। और यहाँ पर जो जूम का लोगो है वो आपको उसमें मिलता है, जो 3D प्रिंट में देखने के लिए मिलता है, आप इसे टच करके फील कर सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में इस वीडियो को देखते देखते सवाल आ रहा हो कि भाई इसके ग्रैब हैंडल्स कहाँ गए, पीछे इंसान अगर बैठेगा तो इसे पकड़ेगा कैसे, कैसे बैठेगा पीछे पकड़ के। तो देखो भाई इसमें आपको मिलता है जादू, मतलब आपकी सीट के पीछे ये बहुत प्यारे से बॉडी के साथ सिंक करके ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। और अंदर ना काफ़ी अच्छे से इसमें एक उभार है जिससे आप बहुत बढ़िया करके पकड़ सकते हैं, तो कोई भी इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं ना लुक का लुक और सेफ्टी की सेफ्टी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत प्यारी चीज़ जो कि भाई सच में दिल से लग गई है, उसके लिए मेरे को एक बार सीट ओपन करनी पड़ेगी। तो सीट ओपन करने के लिए आपको जुपिटर की तरह रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता, बस सिंपल ऐसे करके चाबी डालो और भाई घुमा दो, सीट इसकी ओपन हो जाती है। लेकिन जुपिटर में तो भाई पूछो ही मत क्या करना पड़ता है, दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं भाई स्पेस सही है, बहुत बढ़िया स्पेस है। और यहाँ पर आपको LED लाइट देखने के लिए मिलती है, मैं आपको यही दिखा रहा था कि इसके अंदर आपको LED लाइट देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर यहाँ से आप पेट्रोल भी भरवा सकते हैं, जुपिटर की तरह आपके पीछे से नहीं भरा जाएगा, आई होप आप समझ रहे होगे कि वहाँ कैसे भरा जाता है। और इसकी सीट अच्छी खासी चौड़ी है भाई, जबरदस्त आपको सीट मिल जाती है, कुशनिंग भी बढ़िया है। और ये लग क्यों नहीं रहा है, तो भाई देख लो मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ इसे, हाँ अलग, तो ऐसे करके दबाने से ये लग जाता है आराम से। और यहाँ पर आपने गाड़ी देखी, गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन यार इन्होंने स्पेस पता नहीं क्यों नहीं दिया है, यहाँ पर इन्हें स्पेस देना चाहिए था, क्योंकि भाई अपना कट्टे वट्टा आटा वगैरह सब्जी कैसे लेके आएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्पेस तो देना चाहिए था इन्हें। और सच बताऊं तो स्पेस के अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स भी काफी ज्यादा सही हैं, ये रियर ब्रेक है काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से स्मूथ सॉफ्ट है। अब मैं आपको बताता हूं अपना नजरिया, इस प्रोडक्ट में मेरे को कोई भी इशू नहीं लगा भाई, एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट लगा, ठीक है। बस थोड़ा सा स्पेस का इशू है, बाकी इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी स्पोर्टी फील पसंद है तो वो इस स्कूटर को कैंसिल कर ही नहीं सकता, इसकी लाइट, टेल लाइट, हेड लाइट और इसका मीटर वगैरह सब, मतलब सब कुछ ज़बरदस्त है।
और अब हम बात करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ों की। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें 5 लीटर तेल पड़ता है, लगभग 5.2 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, लगभग 99,000 रुपीज़ ऑन रोड पड़ता है यहाँ अशोक सेल्स नकटिया बरेली में। बट आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना, 2-3 हज़ार रुपये आप कम भी करवा सकते हो, और हो सकता है कहीं पर 1-2 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़े। इसके अलावा अगर मैं इसके डाउन पेमेंट की बात करूँ तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये आपको देने पड़ सकते हैं, या इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 15 हज़ार रुपये इसका डाउन पेमेंट मान के चलें, बाकी आपकी EMI वगैरह बन जाएगी। वारंटी आपको 5 साल की देखने के लिए मिलती है, इंश्योरेंस आपको 1 साल का तो फर्स्ट पार्टी, बाकी 4 साल का थर्ड पार्टी देखने के लिए मिलता है। और एंड में स्पेशल थैंक्स टू श्री अशोक सेल्स नगटिया बरेली, जिन्होंने मुझे ये स्कूटर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोवाइड करा। और काफ़ी सारे कंपैरिजन मैं यहां से लाता रहता हूं, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अच्छे ऑफर्स के लिए आप यहां जा सकते हैं, मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो हो सकता है आपको और भी कुछ छूट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा स्कूटर में मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बाकी रह गई होगी। और एक और स्कूटर जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, जुपिटर क्लासिक, अगली वीडियो में उस पर लेकर के आने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।